Hello students, welcome back to my channel Pragya B&M English Literature. So guys, in this video today we are going to study about the topic Elizabethan poetry. So आज का topic है Elizabethan poetry. You can see here on whiteboard Elizabethan poetry. इस topic को हम study करेंगे and this is given in unit 5 English Literature from Chaucer to Renaissance. Okay, and this is for B part 3 semester 5 and your paper name is Classical Literature and History of English Literature. Okay. सो यूनिट 5 इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा में हमने ऑलरेडी बहुत सारा पॉइंट्स डिस्कस किया हुआ है, जैसे रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन क्या है, मोरालिटी एंड मिरेकल प्लेज, यूनिवर्सिटी विट्स वगैरह को हमने डिस्कस कर लिए हैं. उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या आपको चैनल पर जाना है, प्ले लिस्ट में सर्च करना है बी ए पार्ट 3 सेमेस्टर 5 क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो वहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे. एंड टूडेज टॉपिक इज एलिजाबेथन पोइट्री. ओके, सो यूनिवर्सिटी विट्स के बाद हम एलिजाबेथन पोइट्री को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू टूडेज वीडियो. यू कैन सी हेयर ऑन व्हाइट बोर्ड आई हैव रिटन हेयर सम मेन मेन पॉइंट्स. आई विल एक्सप्लेन इट सो यू विल अंडरस्टैंड इजली. ओके, सो लिसन केयरफुली, वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको स्टडी करने को मिल जाएगा. एंड दिस इज फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी. एज यू ऑल नो, सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, तो सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है. चाहे आप VBSU से हो, MGKVP, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, JCU, RMPSC, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, सभी के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है. इसके अलावा अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में एलिजाबेथन पोइट्री दिया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है. वैसे ज़्यादातर सिलेबस में एलिजाबेथन पोइट्री, यूनिवर्सिटी विट्स, ये जो टॉपिक है यूनिट 5 जो दिया है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा, सभी के सिलेबस में होता ही है. सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो. ओके, सो एलिजाबेथन पोइट्री, तो सबसे पहले इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज सोनेट्स. सोनेट्स के बारे में आपको एलिजाबेथन पोइट्री में स्टडी करना है. ओके, सो सोनेट्स की ओरिजिन कहाँ से हुई थी? जो सोनेट है उसकी ओरिजिन हुई थी इटली से, इटली इन 14th century. ओके, एंड ये जो वर्ड सोनेट है, सोनेट, दिस वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सोनेटो. सो यू कैन नोट डाउन इट, बाद में आप इसे अपने सेंटेंस में आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर लीजिए. ओके, सो सोनेटो, SONETO, सोनेटो से ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है. इसकी मीनिंग होती है, सोनेटो की मीनिंग्स होती है लिटिल साउंड और स्ट्रेन. ओके, तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हो गया रिलेटेड सोनेट. और ये 14 lines की पोएम होती थी. एंड सोनेट के जो पायनियर्स माने जाते हैं दांते एंड पेट्रॉग, ये लोग भी इटली के रहने वाले थे, इटली से ही इसकी ओरिजिन हुई है 14th century में. दांते एंड पेट्रॉग, इन्होंने लव सोनेट्स लिखे थे. सोनेट्स का थीम ही होता था लव, जो मैन और वीमेन के बीच का जो लव होता है दैट इज़ द थीम. ओके, किसी लेडी को ये डेडिकेट किया जाता था, तो दांते ने ये जो सोनेट डेडिकेट किया है, द लेडी इज लेडी बीट्रिस. ओके, एंड पेट्रॉग ने जिस लेडी को डेडिकेट किया है सोनेट्स अपने, दैट इज लेडी लॉरा. ओके, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा. 14 lines की पोएम होती है, इसमें कुछ राइम्स सेट होते हैं जैसे कि ऑक्टिव और सेस्टेट. एंड दांते एंड पेट्रॉग, ये लोग पायनियर माने जाते हैं, इटली में इसकी ओरिजिन हुई है, सोनेट से ये लिया गया है. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट, इटली में ये पॉपुलराइज हुआ था 15th century में, यानी कि ये 1400 से लेकर के 1500 के टाइम ड्यूरेशन में. इसके बाद इटली से ये पहुँचा फ्रांस और स्पेन में 16th century में, उसके बाद ही इंग्लैंड में भी पहुंचा. ओके, अब हम लोग आते हैं इंग्लैंड में इंग्लिश लिटरेचर. तो अर्ली सोनेटर्स के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं. तो थॉमस व्याद, अर्ल ऑफ सरे एंड फिलिप सिडनी के बारे में आपको जानना है. सो नो डाउन इट, थॉमस व्याद एंड अर्ल ऑफ सरे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. ओके, थॉमस व्याद एंड अर्ल ऑफ सरे, इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था इस सोनेट को इंग्लैंड में. ओके, सो थॉमस व्याद ही इंट्रोड्यूस्ड सोनेट फॉर्म टू इंग्लिश लिटरेचर. इन्होंने 31 sonnets कंपोज करे हैं. इनका भी जो थीम था डेट वॉज लव. ये लोग इटली गए थे, थॉमस व्याद इटली गए थे, तो इटली से इस सोनेट फॉर्म को यहाँ पे इंग्लैंड में लेके आए. ओके, एंड अर्ल ऑफ सरे, इनका एक्चुअली नाम है हेनरी हावर्ड. अर्ल ऑफ सरे इनको के नाम से इनको जाना जाता है. ही परफेक्टेड न्यू पैटर्न लेटर शेक्सपियर यूज्ड. इन्होंने इस सोनेट फॉर्म में थोड़ा सा नया पैटर्न ऐड किया, जिसको बाद में शेक्सपियर ने यूज़ किया है अपने सोनेट्स में. ओके, एंड अर्ल ऑफ सरे ने जिस लेडी को डेडिकेट किया है अपने सोनेट्स को, द लेडी इज लेडी जेराल्डाइन और एलिजाबेथ फिट्ज़रॉल्ड. ओके, एंड नेक्स्ट इज फिलिप सिडनी. देखिए, थॉमस व्याद एंड अर्ल ऑफ सरे के बाद जो सोनेट जो पोइट्री थी वो लगभग फेडेड होने लगी थी, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा. एलिजाबेथन एज के टाइमिंग में फिलिप सिडनी, ग्रेट सोनेटर्स हैं ये,
फिलिप सिडनी ये एलिजाबेथ एज के ग्रेटेस्ट सोनेटर्स माने जाते हैं। शेक्सपियर के बाद अगर किसी का नाम आता है सोनेटर्स में, सो दैट इज फिलिप सिडनी। ओके, फिलिप सिडनी के जो सोनेट्स हैं दे आर कलेक्टेड इन एस्ट्रोफेन एंड स्टेला। तो ये आप पोएम्स का कलेक्शन है, इसको आप रिमेम्बर रखिएगा, एस्ट्रोफेन एंड स्टेला। फिलिप सिडनी ने इसको राइट किया है, ये पोएम्स का कलेक्शन है और इसमें टोटल 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं। ओके, जो कि फिलिप सिडनी ने कंपोज करे हैं। एंड फिलिप सिडनी ने जिस लेडी को डेडिकेट किए हैं अपने सोनेट्स को, द लेडी इज लेडी पेनेलोप डीवरेक्स। ओके, लेडी पेनेलोप डीवरेक्स, इन्होंने पोएट के साथ ब्रेकअप कर लिया था और लॉर्ड रिच के साथ में मैरिज कर ली थी, तो उन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने इसमें मैंशन किया है अपने सोनेट्स में राइट करके। ओके, सो फिलिप सिडनी इज द ग्रेटेस्ट सोनेटर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं एडमंड स्पेंसर, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट पोएट हैं एलिजाबेथन एज के। आफ्टर फिलिप सिडनी नेक्स्ट सोनेटर इज एडमंड स्पेंसर। ओके, सो इन एलिजाबेथन पोएट्री अदर सोनेटर्स आर एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इज नोन एज द पोएट्स पोएट, इनका जो सोनेट्स का जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज अमोरिटी। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स दैट प्लेस्ड हिम साइड बाई साइड शेक्सपियर एज ए सोनेटर्स। इस कलेक्शन के बाद इनका नाम शेक्सपियर के साथ में लिया जाने लगा। इनको आप फिलिप सिडनी और शेक्सपियर के बीच में आप इनका नाम ले सकते हैं। लेडी एलिजाबेथ बॉयल, इनको इन्होंने एड्रेस करा था इस सोनेट कलेक्शन को, एलिजाबेथ बॉयल से इन्होंने मैरिज करी थी। एंड नेक्स्ट सोनेटर्स इज हेनरी कॉन्स्टेबल। ओके, हेनरी कॉन्स्टेबल, इनके सोनेट्स का कलेक्शन है डायना। ओके, एंड नेक्स्ट इज डेनियल्स, इनके सोनेट्स का जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज डेलिया। डेलिया, दिस इज एड्रेस टू एन इमेजिनरी मिस्ट्रेस, इसमें लेडी का नेम नोन नहीं है, सी इज इमेजिनरी। एंड नेक्स्ट सोनेटर्स इज माइकल ड्राइटन। माइकल ड्राइटन्स, हिज कलेक्शन इज नोन एज आइडिया। ओके, इसमें 52 सोनेट्स कंपोज किए गए हैं। ओके, सो एलिजाबेथन पोइट्री में आपको थॉमस व्यात, अर्लफ सरे, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, हेनरी कॉन्स्टेबल, डेनियल्स, माइकल ड्राइटन्स वगैरह को जानना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोनेटर इज शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के बारे में भी हम जान लेते हैं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा सोनेटर्स में। सो ही इज नोन एज द ग्रेटेस्ट सोनेटर्स ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। एंड आफ्टर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर के बाद एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर के कंट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं एज ए सोनेटर्स। ओके, सो लेट्स नो अबाउट विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटर। विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटर, सो सोनेट्स वॉज परफेक्टेड बाई शेक्सपियर। ही एडेड ए कपलेट एट द इन दैट वॉज इमिटेटेड बाई ऑल हिज कंटेम्प्रेरी। वी ऑल नो विलियम शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, एक्टर एंड ए पोएट ऑल्सो। ओके, सो इनके जो सोनेट्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एंड इन्होंने क्या करा था, एक कपलेट ऐड कर दिया सोनेट्स के एंड में। इसके बाद इसे बहुत सारे उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे इस टेक्निक्स को इमिटेट करा। ओके, इटालियन सोनेट्स या पेट्रोकन सोनेट्स भी आप बोल सकते हैं, जो इटालियन सोनेट्स थे पेट्रोकन सोनेट्स, दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ऑक्टेव जो कि 8 लाइंस को बोला गया, एंड सेस्टेड 6 लाइंस। तो 8 प्लस 6 लाइन टोटल 14 लाइंस की सोनेट्स हो जाती थी। तो स्टार्टिंग की जो 8 लाइंस थी उसको ऑक्टेव बोला गया है, एंड लास्ट की जो 6 लाइंस हैं दैट इज नोन एज सेस्टेड। ये इटालियन सोनेट्स का फॉर्म है। ओके, बट विलियम शेक्सपियर ने क्या करा, विलियम शेक्सपियर ने जिसको इंग्लिश सोनेट भी बोला जाता है, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है, दैट वाज कंसिस्ट ऑफ 3 क्वाट्रेंस, 4 लाइंस, क्वाट्रेंस बोलते हैं 4 लाइंस को, प्लस राइमिंग कैपलेट एट द एंड। इन्होंने क्या करा, इसको 4-4 लाइंस में डिवाइड कर दिया। ओके, तो 4 × 3 = 12, प्लस लास्ट में इन्होंने एक कपलेट एड कर दिया, राइमिंग कपलेट था, तो ये हो गया राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियर। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इनके थीम के बारे में जानते हैं, क्या इनके थीम रहे विलियम शेक्सपियर के। सो विलियम शेक्सपियर्स सोनेट्स आर द मोस्ट प्रीसियस पर्ल्स ऑफ एलिजाबेथन लिरिसिज्म। ओके, विलियम शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स राइट करे हैं। That was first published by Thomas Thorpe in 1609. Okay, so remember this point. 154 sonnets William Shakespeare ने लिख रखे हैं, कंपोज कर रखे हैं, जो कि first published हुआ था किसके थ्रू, Thomas Thorpe के थ्रू, in 1609.
और विलियम शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स को एड्रेस करा था किसको, डब्ल्यू एच एंड ए डार्क लेडी, किसी डार्क लेडी को इन्होंने इसको एड्रेस करा था, और विलियम हर्बर्ट, डब्ल्यू एच की जो मीनिंग है दैट इज़ विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक. सो द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एच विलियम हर्बर्ट द अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक. सो रिमेंबर दैट कि विलियम शेक्सपियर के जो सॉन्ट्स थे वो एड्रेस किए गए थे किसको, डब्ल्यू एच और किसी डार्क लेडी को. डार्क लेडी जो है वो एक मिस्ट्री है. एंड हिज सॉनेट्स हैव एन ऑटोबायोग्राफिकल नोट, अनलॉक हिज हार्ट. विलियम शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म में लिखे गए हैं, अपने बारे में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंशन करी हैं अपने सॉनेट्स में. सो आज के इस वीडियो में हमने एलिजाबेथन पोइट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कर लिया सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटाफिजिकल पोइट्री को स्टडी करेंगे. सो मेक श्योर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम. आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लास फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड कोई भी सजेशन हो आप मुझे कॉमेंट में राइट करके बता सकते हैं वीडियो क्लास आपको कैसे लगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. गॉड ब्लेस यू.